प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, राजा जनक राज व्यवहार करता था, परंतु आत्मपद में स्थित था। इससे उसको कलंक न हुआ और सदा विगत ज्वर ही रहा। तुम्हारा पितामह राजा दिलीप भी सर्व आरंभों को करता रहा, परंतु राग द्वेष को न प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होके चिर पर्यंत हो गए। जो पक्षपात रहित और राग द्वेष रहित होकर राज्य करते थे, फिर भी उन्हें कोई बंधन नहीं होता था। अभी हम लोग एक जगत का थोड़ा सा व्यवहार, पांच लोगों से बातचीत करना हो या चार लोगों से हमारी दुश्मनी हो या हम 10 जनों का परिवार हो, उसमें भी राग द्वेष में आके इतना डूब और उलझ मरे कि वही हमें दिन और रात परेशान किए हुए। किसी की नफरत हमें दिक्कत देती है तो किसी की प्रीति हमें परेशान करती है। किसी का राग हमें गले में फंदा बनकर पड़ा है तो किसी का द्वेष हमें जीने नहीं देता। एक जीवन में 5 आदमी मिलते हैं, उसी में भी राग द्वेष करके हम फंस मरे, हम परेशान होते हैं। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है। जनक राजा राज्य करते फिर भी राग द्वेष का बंधन नहीं लगता। राजा जनक कहा जाता है विदेह मुक्त राजा जनक। विदेह मतलब अपने देह से ऊपर उठे हुए। एक हाथ में चंदन का लेप लगाते थे और दूसरे हाथ में उनके अंगारे रख दिए जाते थे, फिर भी उनके चित्त की समता बिगड़ती नहीं थी। राजा जनक ऐसे समत्व में स्थित थे। अभी तो हमें कोई उल्टा सीधा कह देता है तो हम परेशान होके उसको 10 जवाब ना दें तब तक हमें शांति नहीं होती। तो हमारे लिए छोटा सा राग और छोटा सा द्वेष परेशानी का सबब बनता है। वही महापुरुषों के लिए हजारों को चलाना, हजारों के साथ प्रीति करना उनके लिए कोई बंधनकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि राग द्वेष रहित होकर करने किया गया कर्म कभी भी बंधनकारी नहीं होता, वरन मुक्तिदायी होता है। हम हर चीज को गहरा लेते हैं। वो जैसे जल ऊपर से मैला होता है, भीतर से शांत होता है, ऐसे ही व्यवहार में ऊपर से राग द्वेष युक्त व्यवहार दिखता हुआ भी ज्ञानवान कहीं बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो निज तत्व है वो बड़ा शांत है, उसमें पक्षपात नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है। तो जहाँ राग द्वेष नहीं है वहाँ बंधन और मुक्ति भी नहीं है। तो हम कहीं उलझते हैं, कहीं फंसते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से राग करते हैं, हमारे लिए राग भी बंधन हो जाता है। जिससे हम प्रीति करते हैं ना, वो भी हमारे फंसने का कारण बनता है। और एक महापुरुष के हजारों शत्रु होते हैं फिर भी वो निश्चिंत होता है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से अपने आप में, इसीलिए उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तो राग द्वेष रहित महापुरुष ऐसे हो गए हैं जो लोग राग द्वेष रहित होकर राज्य भी करते थे और बंधन से मुक्त रहते थे। हम तो 4-5 जनों का परिवार चलाने में नाक में दम आता है। एक पति को सेट नहीं हो सकते, पत्नी को ठीक नहीं कर सकते, बाल बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, तो लड़ाई झगड़ा कर करके परेशान होते रहते हैं कि नहीं? एक घर में ठेकाना पड़ता नहीं। 4 जनों परिवार हो तो अर्धा मोडू आम हो, अर्धे का मोडा इधर हो, होता है कि नहीं? ऐसा 2 जन हो तो एक का मुंह उधर होता है, एक का मुंह उधर होता है कि नहीं होता ऐसा? बिना ईश्वर की प्राप्ति पे दुखों का अंत होना बहुत मुश्किल है। राग में हम रागात्मक बुद्धि से बह जाते हैं, द्वेष में हम द्वेषात्मक बुद्धि से उद्विग्न होते हैं। समत्व हमें प्राप्त नहीं है इसीलिए परेशान। और समत्व प्राप्त कब होता है? जब तक ज्ञान का आदर नहीं किया जाता तब तक समत्व नहीं आता।
तब तक बेचैनी, खुशी, गम, दुख, सुख, परेशानी उठती है, आती है, जाती है। हम ठीक होते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर तो ऐसी दयनीय स्थिति है मानव की। जब तक हमारे अनुकूल होता है तब तक हमें सुख है, जब हमारे प्रतिकूल होता है तो हमें दुख है। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हमारी बुद्धि में तो हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता दिखाते हैं। वास्तव में एक स्थिति एक व्यक्ति के लिए अनुकूल है, वही स्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हो सकती है उसी समय। और जितना हमारे निर्णय रागात्मक और द्वेषात्मक बुद्धि से युक्त लिए गए हैं उतने ही निर्णय हमें भारी पड़ते हैं। जहां राग होगा वहां पाप होता है, जहां जहां भी राग है वहां वहां पाप है। तो राग नहीं करना चाहिए, स्नेह नहीं करना चाहिए, बच्चों को पालना नहीं चाहिए, क्या पत्नी को प्रेम नहीं देना चाहिए? हाँ हाँ देना चाहिए, किसी भी बात के लिए मना नहीं है, पर अनुशासित अगर ढंग से है तो सब चीजें बढ़िया है। धन उपार्जन तो करना चाहिए, धन उपार्जन मेहनत से भी किया जा सकता है और चोरी करके भी किया जा सकता है, कौन सा बेहतर है? ठीक है ना, धन उपार्जन करना चाहिए। एक तो धन चोरी से आता, दूसरा धन मेहनत से आता, क्या बेहतर है? मेहनत वाला, चोरी का नहीं। मेहनत वाला धन, धन तो लाता है अनुशासित ढंग से लाता है। जो अनुशासित ढंग से कार्य होता है उसे धर्म कहते हैं। तो अनुशासित ढंग से कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो व्यक्ति को परिणाम में सुखदायी होते हैं। जो अनुशासित ढंग से कर दिया जाता है वही बंधनकारी होता है और उसी के कर्म का बंधन भी लगता है। तो कर्म हो अनुशासित हो, जैसे कि धन कमाना तो है पर वो अनुशासित ढंग से कमाया जाए तो उत्तम है। बच्चे पैदा करने तो है अनुशासित ढंग से किए जाए, जहां आए, जिससे आए, जैसे आए, अनुशासित नहीं है इसीलिए वो दिक्कत देते। एक अनुशासन उसका जरूरी है तो जीवन सुंदर बनता है। अनुशासन रहित, राग द्वेष युक्त, राग या द्वेष दोनों से युक्त बुद्धि पाप करवाती है। जिसके प्रति आपका द्वेष होगा अगर उसमें समझदारी नहीं है तो द्वेष इतना कड़वा रूप लेगा कि आपके द्वारा कुछ अनहोनी घटना हो जाएगी और आप फंसोगे। जिसके प्रति आपका राग है वो भी पाप करवाएगा। जिस व्यक्ति के प्रति आपका राग होगा दूसरे व्यक्तियों के प्रति आप पक्षपात जरूर करोगे। उसके बचाव में मुझे इस व्यक्ति के बचाव में कुछ बोलना चाहिए क्योंकि मेरा राग है ना। तो जब उसके प्रति राग होगा तो जो तटस्थ पुरुष होंगे और निष्पाप पुरुष होंगे उनके प्रति आपका अन्याय जरूर होगा। जैसे एक पति का पत्नी को छोड़कर कहीं और राग हो जाता है तो पति के साथ जरूर अन्याय होता है, ऐसे ही पति का अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और राग हो जाता है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है क्योंकि इसको आप समझ सकते हो। कहीं और राग होता है तो पति की कही हुई हर बात उसे उल्टी लगती है। क्यों? क्योंकि उसका राग कहीं और है, पाप करता है वो, राग पाप करवाता है। कौन सा पाप? एक तो क्रिया का पाप करवाएगा, दूसरा जो निर्दोष है उसके प्रति आपको गलत दृष्टि डालवाएगा, मतलब कि वो मुझे जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है, तो आपका उसके प्रति द्वेष होगा, ये पाप है। तो राग पाप की बुद्धि पैदा करता है। उस राग के बीच में यदि कोई हितैषी आता है तो वो आपको दुश्मन लगेगा, ये तीसरा पाप, जो आपको समझाएगा ना
जो तटस्थ होगा वो समझाएगा ये कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार करता है, वो तुम्हें बार बार फ़ोन करके पूछता है कि कहाँ हो, और तुम हो कि, क्योंकि तुम्हारा राग कहीं और है ना, इसीलिए तुम आजकल पति का ध्यान नहीं रखती या पत्नी का ध्यान नहीं रखती। जो समझाएगा उसके प्रति आपको द्वेष होगा। तीसरा पाप, राग एक छोटी सी चीज है, पाप कैसे करवा देती है। ऐसे ही द्वेष बहुत छोटी चीज है, पाप करवाता है। तो आप अच्छे व्यक्तियों के प्रति भी अन्याय करते हैं यदि आप किसी के प्रति रागात्मक बुद्धि से व्यवहार करते हैं। तो हमें किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। और हाँ, अगर आप प्रेम करते हैं तब प्रेम होना चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए। प्रेम बुद्धि देता है, वासना बुद्धि का हरण करती है। खैर, लंबा विषय है, पर काट शाट के इस तमाम दुख राग और द्वेष की अग्नि में जलते हुए व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ, दुख और सुख की थपेड़े खाता।